कानपुर देहात के नए एसपी 2011 बैच के आईपीएस स्वप्निल ममगई ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बतौर एसपी तैनाती ये उनका 7वां जिला है। आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नरेट में भी वो डीसीपी हेडक्वार्टर पर तैनात रह चुके हैं। साल 2017 के चुनाव में आचार संहिता के दौरान आयोग ने उनकी तैनाती जालौन में की थी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों को थाने स्तर पर ही न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे शासन ने इस लायक समझा कि कानपुर देहात जैसे महत्वपूर्ण जनपद की जिम्मेदारी दी गई, और स्वाभाविक सी बात है कि अभी भविष्य में बहुत जल्दी ही चुनाव का संपादन कराने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में व अन्य प्रदेशों में चल रही है, तो एज अ प्रायोरिटी वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना महामारी जो तीसरे फेज के रूप में देश के सामने एक विकराल समस्या के तौर पे उभर रही है, उसको नियंत्रित करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके अलावा पुलिस के जो और काम हैं जैसे अपराध नियंत्रण, अपराध का खुलासा, मेरिट बेस्ड खुलासा, एविडेंस बेस्ड खुलासा, कानून व्यवस्था जो बनाए रखना, ट्रैफिक का संचालन और अन्य आपदा जो है उनको दुरुस्त उनको वो ना हो उसके लिए प्रयास करना, ये हमारी प्राथमिकता। कोई मैसेज जनपद के लिए? जो देखिए जनपद के लिए तो मैं अभी क्योंकि जो मैंने आज ज्वाइन ही किया है कुछ घंटे पूर्व, तो मैं देख रहा था जनपद की आबादी लगभग 23 लाख आबादी है अगर मेरा अनुमान ठीक है तो वर्तमान में, हालांकि सेंसस 2011 में हुआ है। तो कानपुर देहात की जनता को मैं ज़रूर आश्वस्त करूँगा कि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी पुलिस अधीक्षक की वरिष्ठता जो मुझे अनुभव हुए उसके आधार पर, जो पूर्व की गलतियां हुई उससे सीखते हुए और नए विचारों को अंगीकृत करते हुए हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ पे हैं और सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमेशा चाहे मेरा फ़ोन नंबर हो या अन्य साधन हो, मेल हो या ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया के साधन हो, मैं पूरी तरीके से जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ और किसी को भी भय में जीने की या मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, हालांकि मेरा आज पहला दिन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा पूरा जोर रहेगा एक भयमुक्त समाज, सरकार का जो नारा है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, उसके प्रति हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे और अपने फोर्स को भी मनोबल हम लोग बढ़ाएंगे कि वो भी प्रतिबद्ध हों।